लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। तो आज मैं आपके यहाँ इसीलिए तलाश में आया हूँ कि आप भी मशीन लगाएं। लगा रखे हैं। तो बिजनेस को कैसे रन करना होगा जरा उसके बारे में मुझे आज बताइएगा आप। मुझे सर पहले दिखाइए कि वो मशीन कहाँ लगा रखे हैं। ये एक मशीन आपने लगा रखे हैं। हाँ। ये 3 साल हो गया मशीन लगाए आपको? 3 साल हो गया। ये सिंगल डाई ही लगा रखे हैं? बस सिंगल डाई। एक मशीन है इसका 110 केजी रोज का चाहिए खुराक। मतलब 110 केजी रोज पेपर काट सकता है ये रोज काटेगा? अच्छा जी। हाँ 12 घंटे में। 12 घंटे में। हाँ। कितने घंटे मशीन चलाते हैं आप इसको? अब तो घर में लगा हुआ है, कभी भी चला देते हैं, सुबह से शाम तक घर में लगे रहते हैं। अच्छा। हाँ। क्या मोटर वोटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मोटर में एक बार आया था दिक्कत। अच्छा। तो उसको ठीक करवा लिए अपना। मतलब 3 साल में सिर्फ एक बार मोटर का दिक्कत आया? एक बार आया। अच्छा जी। जब मटेरियल 20-25 केजी वो ले आता था, मार्केट में कैसे सर्वाइव कर, मार्केट में कैसे माल को बेचे, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। अब ये 13 इंच का थाली है जी, ये 13 इंच का थाली है, ये अभी 900 रुपये का बोड़ा जा रहा है। अच्छा। 800 रुपये का बोड़ा 900 पीस दे रहे हैं, 13 नंबर डायमंड। अच्छा जी। मार्केट में ये चल रहा है? मार्केट में अब डायमंड थाली का पकड़ बढ़िया है मार्केट में। अच्छा जी। ऐसे भी चलता खूब बढ़िया। तो आप सिर्फ डायमंड ही डायमंड बनाते हैं? मैं देख रहा हूँ डायमंड ही बनाते हैं, खाली खाली डायमंड बनाते हैं, क्रैंक मशीन में डायमंड ही बनाते हैं। अच्छा जी। बिजनेस ऐसा जो कमा के दे पैसा, आज आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा रोजगार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों आप कहते हैं पेपर प्लेट का बिजनेस बहुत घटा है, आप इसका मशीन ना लगाएं, आप इसका बिजनेस ना दिखाएं। बाकी आज इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, आपके कमेंट पे, आपके कहने पे, कि आज 3 साल से ये बिजनेस अपने घर में 10x10 के रूम से शुरू किए हैं भैया, और आपको बताएंगे कि आप इस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं सिर्फ एक मशीन लगा के। आप दो दो तीन तीन मशीन लगा के बिजनेस में फेल हो जाते हैं। बाकी भाई साहब का कहना है सिर्फ एक मशीन लगा के ये बिजनेस में आज भी 3 साल से रन कर रहे हैं और महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो आज हम सर से 1x1 करके जानेंगे और समझेंगे कि ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए आज मैं आपके चल के आ चुका हूँ और निशान सर मुझे ले आए कि लोगों का कहना होता है सर पेपर प्लेट बहुत घाटा हो रहा है, लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। तो आज मैं आपके यहाँ इसीलिए तलाश में आया हूँ कि आप भी मशीन लगाएं। लगा रखे हैं। तो मुझे एक छोटा सा परिचय दीजिए और फिर बताइए जरा मेरे साथियों की कि मशीन लगाने तक का है या लगाने के बाद क्या करना होगा, बिजनेस को कैसे रन करना होगा, जरा उसके बारे में मुझे आज बताइएगा आप। सर हम 3 साल से हम मशीन लगा रखे हैं। अच्छा। गांव के अंदर में? हाँ मैं देख पा रहा हूँ घर के अंदर लगा रखे हैं आप, 10x10 के रूम में आप ये लगा रखे हैं मशीन, और लोग तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के बाद भी बंद कर दे रहे हैं। गाँव के अंदर में लगा रखे हैं और मशीन के अलावा मटेरियल जो होता है ना जी 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 वो जरूरी है, मशीन लेने से नहीं होता, मटेरियल जरूरी है। मतलब कि 60-70 हज़ार का मशीन अडाई है, उसके अलावा 2 लाख रुपये अलग से लेके चलना पड़ेगा मटेरियल के लिए। अच्छा। तब जाके सक्सेस करेंगे इसमें। तो मुझे सर पहले दिखाइए कि वो मशीन कहाँ लगा रखे हैं। ये एक मशीन आपने लगा रखे हैं? हाँ। ये 3 साल हो गया मशीन लगाए आपको? 3 साल हो गया। ये सिंगल डाई ही लगा रखे हैं? बस सिंगल डाई। एक मशीन है इसका 110 केजी रोज का चाहिए खुराक। मतलब 110 केजी रोज पेपर काट सकता है ये रोज काटेगा? अच्छा जी। हाँ 12 घंटे में। 12 घंटे में। हाँ। कितने घंटे मशीन चलाते हैं आप इसको? अब तो घर में लगा हुआ है, कभी भी चला देते हैं, सुबह से शाम तक घर में लगे रहते हैं। अच्छा। हाँ। क्या मोटर वोटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मोटर में एक बार आया था दिक्कत। अच्छा। तो उसको ठीक करवा लिए अपना। मतलब 3 साल में सिर्फ एक बार मोटर का दिक्कत आया? एक बार आया। अच्छा जी। होता क्या है सर कि अक्सर लोग देखो पेपर प्लेट का बिजनेस शुरू करते हैं और वो कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पे और लिखते भी हैं, मैसेज भी लिखते हैं, सर हम पेपर प्लेट का मशीन लिया और मैं बिजनेस फेल हो गया, या जो मशीन लिया है वो मशीन खराब है। तो इसीलिए मैं देखिए आपका चल के आया हूँ कि जरा मेरे साथियों को कुछ अंदर की बात बताइए कि आप अपने बिजनेस में 3 साल से कैसे सक्सेस है और वो कैसे सक्सेस हो पाएंगे, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, शुरू क्या करें, कैसे प्रोसेस करें वो। जब जब कोई भी काम नया करते हैं ना तो पहला क्या है, थोड़ा पैसा तो लगता है रनिंग आने में। जी जी। उसके बाद धीरे 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 सब पकड़ बन जाता है। तो सर कोई मान लो बिजनेस शुरू करता है, मशीन ले आया, मटेरियल ले आया, मटेरियल भी 10-20-25 केजी ले आता है, ठीक है। तो जब मटेरियल 20-25 केजी वो ले आता था, मार्केट में कैसे सर्वाइव कर, मार्केट में कैसे माल को बेचे, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। अब ये 13 इंच का थाली है,
जी, ये 13 इंच का थाली है, ये अभी 900 रुपये का बोड़ा जा रहा है। अच्छा, 800 रुपये का बोड़ा 900 पीस दे रहे हैं, 13 नंबर डायमंड। अच्छा जी, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में। अब डायमंड थाली का पकड़ बढ़िया है मार्केट में। अच्छा जी, ऐसे भी चलता खूब बढ़िया। तो आप सिर्फ डायमंड ही डायमंड बनाते हैं, मैं देख रहा हूँ। डायमंड ही बनाते हैं, खाली खाली डायमंड बनाते हैं, क्रैंक मशीन में डायमंड ही बनाते हैं। अच्छा जी, तो सर मुझे बताइए कि क्या प्रॉफिट मार्जिन है, एक केजी कोई मटेरियल बनाता है तो मार्केट में कितने केजी कैसे बिकता है, जरा इसके बारे में। 15 से 20% तो है ही है, 20% तो है ही है पक्का, 20% का मार्जिन है। माने जैसे मार्केटिंग करने गया, कोई दुकानदार बोला कि हमको ये अगला दे के जा रहा है, जी जी, तो हम पहले इधर उधर देखते हैं मार्केट में, समझते हैं। अच्छा, क्या रेट चलता है, जी जी जी, तब माल छोड़ते हैं हम, 800 से नीचे अभी छोड़ नहीं रहे। अच्छा, बोरा 900 पीस का, एक बोरा में कितने पीस होते हैं, कितने केजी माल मटेरियल होते हैं? 900 पीस एक बोरा में। अच्छा, 12 केजी में एक बोरा बन जाता है, एक बोरा। हाँ, तो अब मैं समझा आपकी बात कि 12 केजी मटेरियल में एक बोरा पीस पूरा बन जाता है आपका। तो 12 केजी जो मटेरियल आपका होता होगा वो 50 केजी के हिसाब से होता होगा, 50 सिल्वर होगा तो 47 रुपये किलो। अच्छा, कलर में साल पत्ता ये जितना कलर में आएगा, मैं 600-700 रुपये मान लेता हूँ, अरेज 600 से 700 पर बोरा, 150-200 रुपया बच जाता है, बचत है। कितने बोरा एक दिन में बना देते हैं? एक दिन में बारह बोरा बना देते हैं, और एक बोरा पे आपको 150 रुपया का बचत है। 150 रुपये बचत है, और एक ही मशीन से? एक ही मशीन से। तो लोगों को क्या एक ही मशीन लगाना चाहिए कि ज्यादा मशीन लगाना चाहिए, ये जरा बताइए फिर। एक मशीन लगा लें जिसे मार्केट में आपको पकड़ हो जाए, तब आगे बढ़ाइए। मेन है क्या, मार्केटिंग में पूंजी पकड़ नहीं कर पा रहे हैं, पूंजी सबसे बड़ा चीज मुद्दा है इसका। कितना पूंजी लगाना पड़ेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? कम से कम तो मटेरियल के, मशीन तो ले लिए वो तो आपका हो गया। हाँ भाई, 50,000 तक मशीन मिल जाती है, बहुत अच्छी मशीन मिल जाएगी। अब सिंगल डाई की माना जाता हूँ। बिजनेस करने के लिए पेपर कम से कम 2 लाख रुपए लेके चलिए। अच्छा, 2 लाख रुपए का पेपर, 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके ये बिजनेस शुरू करे अच्छे पैमाने पे। प्लस पत्तल का काम कर रहे हैं, गिलास का भी करिए। अच्छा, गिलास का करिए, उसमें बेनिफिट अच्छा है। गिलास क्या रेडीमेड ले आए या बनाए खुद? मतलब डीलर से इधर संपर्क करके ले आते हैं। अच्छा, तो पत्थर और गिलास दोनों एक साथ ज्वाइन करके बेचे आपका? हाँ, कहना है। हाँ, तो और अच्छा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, आप समझा मैं आपकी बात। देखिए साथियों, आप अकेले पत्थर कहीं बेचने जाएंगे तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप कहीं गिलास भी साथ में बेचते तो आपको अच्छा लोग रिस्पॉन्स देंगे। लोकल कस्टमर है, गाँव है, गाँव के अंदर में पत्थर लेने आया, गिलास कहाँ ले जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो मेल के लिए रखना पड़ता है। तो सर आज सर अपनी एक दो क्वालिटी मुझे दिखाइए जरा, मटेरियल के कैसे बनाते हैं, क्या क्या है, या देखा जाए। ये क्या है, 12 इंच? 13 इंच डायमंड है। अच्छा, 13 इंच डायमंड है ये? हाँ, 13 इंच डायमंड है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और ये सब? ये भी 13 इंच डायमंड। ये भी 13 इंच है। अच्छा, पूरा डायमंड ही डायमंड बना रखे हैं सर आप? हम डायमंड ही बनाते हैं। मतलब डायमंड किंग तो नहीं है आप? जो समझिए। अरे वाह, बहुत। कितना दिन सर पहले ये मशीन लगाया था आपने? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया आपको मशीन? और मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप 3 साल हो गए तो मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मशीन लगाए हैं, हीटर खराब होते रहता है। अच्छा, और ये जो बैरिंग वरिंग है ये सब खराब होगा, उसको वो तो बन जाता होगा, वो सब कर देते। कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लगता होगा? जो सामान में लगे, मशीन खराब हो गया, बैरिंग खराब हो गया, तो लगेगा। बिल्कुल। और ये मैं देख पा रहा हूँ कोई एक भी आदमी ये मशीन चलाने वाला नहीं है आपका, ऑटोमेटिक ये मशीन अपने आप चल रहा है, देख सकते हैं साथियों, एक भी आदमी बगल में आपको नहीं दिख रहा होगा, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मान लिया जाए। सर घर का काम है, घर में लगा रखे है, अपना लगा चला देते हैं, इकट्ठा होके अपना पैक करके। बिल्कुल, तुम अपना होते रहता, मार्केट करते रहते। देख सकते हैं घर में लगा रखे हैं भैया, और सबसे खास बात है आप ये देख रहे हो कि इसके लिए कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है, बिना मैन पावर के ये काम हो रहा है आपका, ये देख सकते हैं आप। ये रद्दी भी सर आपने घर में रखा, इसका क्या राज है? ये एक पेटी में, घर में जगह कम है। अच्छा, इस वजह से आपने एक फर्मा बना दी है, उसके अंदर दबा के 70-80 किलो का बंडल बना रखे है। अच्छा जी, तो ये कितने किलो बिक जाता होगा? ये 3 रुपए किलो बिकता है अभी यहाँ पर। हाँ, अच्छा जी। प्लस एक गिलास का है,
अच्छा, गिलास का भी सीजन स्टार्ट होने से पहले एक गाड़ी गिरा लेते हैं। अच्छा, तो कप और प्लेट और गिलास दोनों एक साथ बेचते हैं? हाँ बेचते हैं भाई, प्लेट और गिलास दोनों मिला के मिक्सर करके बेचते होंगे आप। हाँ। अच्छा देखो, मार्केटिंग का स्ट्रेटजी आपको पता है कि मार्केट में कैसे मार्केटिंग करना है? करना है। और लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि सही तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाते। 3 साल से है हम इस लाइन में। जी जी। कितना मशीन लगाया, 15 दिन में सोचेगा कि हम कितना पैसा कमा ले, वैसे थोड़ी होगा। एकदम धीरे धीरे रूटीन बनता है, मार्केट जमाना पड़ता है, तब जाके ये काम उठता है। काम उठता है बिल्कुल। पहले तो दुकान के पास जाइएगा तो अगला दे रहा है, दुकानदार कहेगा आपको हमें तो ये रेट दे जा रहा है। बिल्कुल। फिर नंबर उम्बर दे के आ जाओ, फिर अपने आप जब उस डिमांड आवेगा तो अपने आप। अभी 3-4 महीना 5 महीना है ना, फुर्सत नहीं मिलेगा। और अच्छा, वेरी नाइस। सर ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मैं आपका देख रहा हूँ, सिंगल डाई, और एक ही मशीन से आप वो जितना जितना भी डायमंड सब काट रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये कहाँ से मशीन लिया था सर आपने? निशान जी सत्या मशीनरी मीठापुर। अच्छा, मीठापुर से लिया था, पटना में? पटना से। और 3 साल पहले ये मशीन आपने लगाया? 3 साल पहले लिए है। और 3 साल में एक बार मोटर सिर्फ खराब है? एक बार खराब हुआ। ओनली एक बार? एक बार। सही सुन पा रहा हूँ मैं? सही सुन रहे, कहीं गलत नहीं है? नहीं नहीं। देखना साथियों, क्या देखना सर, क्या है कि आपको इस बात को सुनकर ना, बहुत लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे होंगे और बहुत लोग बिजनेस कर रहे होंगे। हाँ। कहीं आप कुछ भी गलत बोलेंगे तो उसको ये लगेगा कि सामने वाला देखो झूठ बोल रहा है। तो कोई कोई कस्टमर को अगर देखना है, हाँ, कोई चीज मतलब समझना है, हमें हमारे यहाँ है, हम 3 साल से हैं, वो आपके यहाँ आके देख सकता है? हाँ। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। देखना है साथियों, सर ने खुला चैलेंज कर रहे हैं कि कभी भी आपको देखना हो, कुछ समझना हो, ट्रेनिंग लेना हो, मशीन देखना हो तो सर से मिल सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको सिखा भी देखेंगे, बता भी देंगे कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और एक काम, और मशीन इंस्टॉल भी करते हैं। अच्छा, मशीन पुराने पुराना हो गया वो भी खराब बना देते हैं हम। अच्छा। हाँ, ये अपना बनाते बनाते दूसरे को भी बनाने लगे आप? दूसरे को भी बनाने लग गए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कम से कम 200 मशीन हमने चालू कर रखा, बना रखा। अरे वाह, गुड। खड़ा 2-2 साल 1.5 साल मशीन लेके खड़ा, लेके बंद कर दिया, कभी मन हुआ कि अब इस सीजन में चलाए, सबका हम जाके चलक कर देते हैं। सही, मतलब ये मान लूं मैं कि जिसका मशीन इसमें बंद पड़ा वो आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, कोई हम कर ले। गुड। अच्छा सर, एक बात हो मुझे बता, ये जो मटेरियल मैं देख पा रहा हूँ, ये सब कहाँ से ले आते हो आप सर? मटेरियल जहाँ पे 1-2 रुपया रेट कम मिला, जैसे अभी उसका 47 रुपया सिल्वर का चल रहा है। जी जी जी। कहीं पट गया 46 का, वहाँ से ले लिया। 45 का पट गया, अभी जहाँ वहाँ उठा लिए। अच्छा जी, हमें तो रेट मार्केटिंग का यही स्ट्रेटजी है बस, कि जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ ले लूंगा मैं। बहुत अच्छा सर, बिजनेस करने के लिए पेपर प्लेट का और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है मशीन के अलावा, क्या क्या चीज़ पड़ता है? मशीन के अलावा 10 डाई चाहिए। 10 डाई? हाँ। क्या क्या डाई? एक डायमंड हो गया, एक कोर वाला डाई हो गया। अच्छा। उसके बाद डोना हो गया, प्लेट हो गया, सबका सेट लेना पड़ता है। मतलब 10 डाई की जरूरत पड़ेगा? मार्केट में काम करना है तो सारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और ये बिजनेस शुरू करने के पहले क्या कहीं कुछ और काम करते थे या ये शुरू से ही यही कर रहे हैं? पहले तो बाहर दिल्ली में काम। अच्छा, करते दिल्ली में पहले काम थे? अच्छा, मतलब दिल्ली से आप आके अपना काम खुद शुरू किया, अपना खुद उद्योग लगाया आपने? सब अपना किया है। चलिए सर, देखा साथियों, कोशिश कर रहा हूँ कि सर कैसे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सर ने ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी बताएं कि मशीन ले लीजिए, मटेरियल लीजिए, मार्केट में मटेरियल सस्ता कहाँ से मिल रहा है वो लीजिए, और सर ये भी कहना चाहेंगे कि कहाँ से मशीन लिया इन्होंने, सत्या मशीनरी से लिया है। तो सर मैं जरा एक बार आइए सत्या सर, आप भी निशान जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए सर, बड़ा तारीफ कर रहे हैं सर आपका। सर और तारीफ तो इनका होना चाहिए, ये 3 साल से लगातार इस बिजनेस में मतलब कभी बंद नहीं किया, हमेशा 3 साल से लगातार इनका बिजनेस चलता आ रहा है, तारीफ इनका होना चाहिए सर। बिल्कुल तारीफ। क्या होता है सर, पेपर प्लेट में तो आपने बहुत बेचा होगा पेपर प्लेट, लोग हर 3 महीने बाद बंद कर देते हैं पेपर प्लेट। होता है, बंद करने का मकसद पीछे रहता है कि मशीन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, रॉ मटेरियल में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मार्केट में आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। तो आप पैसा लगाइएगा तभी पैसा कमाइएगा।
ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, मशीन लिए, मशीन लेकर ये खुद ही मशीन का मैकेनिक बने, तभी आज मशीन चला रहे हैं 3 साल से लगातार। बिल्कुल, तो मशीन लेने से कुछ नहीं होगा, मशीन लेकर आपको उस चीज़ का मैकेनिक बनना पड़ेगा। कि आज मशीन लेकर 200 से ज़्यादा मशीन इंस्टॉल कर चुके हैं हमारे। बिल्कुल, तो आगे भी ये करते रहेंगे। और आपको भी कहीं मशीन इंस्टॉल करने के लिए अगर कहीं से मशीन लिए, इंस्टॉलेशन का दिक्कत आ रहा है, तो आप बताइए, सत्य इंडस्ट्री में संपर्क कीजिए, ये जाकर आपका मशीन इंस्टॉल करके आएंगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मतलब यहाँ तक ये सीख गए हैं कि कोई भी मशीन को, जैसा भी मशीन हो, किसी भी कंडीशन मशीन हो, वो इंस्टॉल कर देंगे आपको। बिल्कुल सर। तो ये आपको सोचिए, मतलब व्यापार शून्य था, अब शून्य से लेके अव्वल तक कैसे पहुँचे, ये इनका स्टोरी हम आप तक ला रहे हैं कि आप भी करो आगे। बिल्कुल, सत्या मशीनरी से जुड़ो आप आकर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।